अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या नाम है आपका? आपका नाम? हमारा दोसू। दोसू दोसू, आप जरा दिखाएं अपनी भैंसे के कैसी भैंसे हैं आपकी और क्या खसूसियत है उनमें, को दुनिया आपकी भैंसों को मानती है, ऐसी क्या चीज़ है आपकी भैंसों में, जरा थोड़ा बताएं, दिखाएं भैंसों। ये कौन सी नस्ल की भैंस है? कुंडी नस्ल। तो इनकी पहचान कैसे होती है, जरा देख के जरा हाथ लगा के हमें बताएं कि किस तरह होनी चाहिए उनकी पहचान। इधर 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 आगे बताएं ताकि नजर आए। सिंह कुंड है, सही है। मुंह छोटो, मुंह छोटा, ठीक है। ढाई फुट की, ठीक है ठीक है जी। और ये कितने दांत की है? खीरी है अभी। खीरी है जी। अच्छा, तो ये तकरीबन ये दूध कितना दे देती है? दूध अधमन देगी। अधमन देगी। और आपके पास कोई नर है? नर, अच्छा, जो नर होता है वो दिखाएं जरा, नर कौन सा? ये वाला नर है जी। ये कितने दांत का है ये नर? दो दांत का अभी हुआ है। दो दांत का नर हुआ जी, ठीक है। और ये वाली कौन सी नस्ल है? ये गुजर भूरी। गुजर भूरी सागी नस्ल है। इसका दूध कितना होता है? इसका भी आदमन होता है, मतलब ये आपके पास जो है बिल्कुल ये अच्छी नस्ल की भैंस है। अच्छी पुरानी इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। और ये जो पीछे बैठी है वो कितने दांत की है? छह दांत की है। चार 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 दांत की। और ये सारी आपके पास डुग्गी है? डुग्गी है ये वाली। डुग्गी है परले पासे वाली। अच्छा, और मतलब सारी दूध में आपके पास ये अच्छी है, A1 क्वालिटी की है बिल्कुल। ठीक है, भी अच्छी है, लोग फोटो में भी अच्छी है, सोनी सोनी है, दिखने में भी अच्छी है। ठीक है ठीक है, बहुत मेहरबानी। ठीक है ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा, दोसू दूसरा है, मैं उसका भाई हूँ। अच्छा, ये भैंसे दोसू जत की हैं जी। हाँ, तो ये थोड़ा बताएं इसमें आपका ये मेल कौन सा है, नर कौन सा है, मादी कौन सी है? नर ये खड़ा है। ये वाला नर है जी। हाँ, कितने दांत का है ये? दो का। दो दांत नर है जी। हाँ, चाहिए थोड़ा दिखा दें, दो दांत नर और कौन मादी है कोई? हाँ, कौन सी है, दिखाएं थोड़ी जरा। तुम्हारे ये खड़ी है, ये वाली। ये कौन सी नस्ल की है? इसकी बैल है। नस्ल कौन सी है ये? कुंडी नस्ल है। और ये तकरीबन दूध कितना देती है? अधमन भी देती है, 15 किलो भी देती है, जैसे खादा जैसे भैंस। एक टाइम का? जी नहीं, दो टाइम का। दो टाइम का जी। अच्छा, और क्या क्या है? ये कौन सी नस्ल है? ये वाली पक्की भूरी है जी। और ये तकरीबन कितनी आपके पास, कितना माल लेकर आए हैं दोस्तों? अभी तो चार लेकर आए हैं। और ये एक मेल है आपके पास जी। और ये सारी ये भैंसे हैं जी। शान कोई है इसमें? बस ये एक ही शान है। एक ही शान है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं दोसू जत की भैंसे हैं। और बोट को नहीं दिखाना, जिसको दिखाना। हाँ, चीज को दिखाएंगे। ये आपके पास सारी दो दो दांत की हैं या कोई बड़ी भी है या छोटी भी है? वो भी बड़ी है थोड़ी, एक परले पासे वाली। वो बड़ी है जी। तो इनमें जो आपके पास सबसे अच्छी जो भैंस अभी है वो तकरीबन कितना दूध देती है? आधा मन जी। हाँ, आधा मन मतलब 20 किलो। 20 किलो 20 किलो एक दिन का? हाँ इंशाल्लाह। ठीक है लेकर बात सुनो ना जी। जी, चीज को देखना चाहिए। हाँ, तो बोट को नहीं चाहिए, बोट समझता है जी। जी, जो मान विहार मोहर होती है। हाँ, मोहर जिसम चाहिए,
कुंडी वाली चाहिए, ठीक है, ना उसका छिगल चाहिए। तो आप एक काम करें ना, आप इसके ये इसमें थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, अच्छी नस्ल में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या उसका क्या है, उसके सींग ऐसे होने चाहिए, मुंह कैसा, थोड़ा इधर आके जरा बताएं। देख लेना, ये तो कुंडी है ना जी, आप सब देख रहे हैं ना जी जी, ये फोटो देखो, और ये बेशक इंशाल्लाह खरीदा होता है, सही मुंडी देखो इसकी जी जी, छोटी है, ठीक है, बड़ी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं खूबसूरत है। खूबसूरत मतलब सींग घूमे हुए होने चाहिए और सर उसका छोटा होना चाहिए जी हाँ। और ये गर्दन जो है इसकी गर्दन फुट माप लो, 3-2.5 फुट, 2.5 फुट की गर्दन होनी चाहिए, तो वो अच्छी मानी जाती है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। और ये कट्टी खड़ी है, उसको भी देख लेना, मुंडी भी उसको देखो, सिंग भी उसका देख लेना, सही सही जी हाँ। इसका तो सर छोटा होना चाहिए, सींग घूमे हुए होने चाहिए और गर्दन में 2.5 फुट का फासला होना चाहिए तकरीबन। और मालिक का भी फोटो निकाले तो उसको भी मैं आवाज करके तुम्हारे सामने कर लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत मेहरबानी सर आपकी, बहुत मेहरबानी।